أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج ستمبر 1970 کی 6 تاریخ ہے. 6 ستمبر کی نسبت سے سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام احباب کو استقلال پاکستان مبارک ہو. اس وقت میں صرف اس ہدیہ تبریک کے پیش کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ آج شام کو 7:30 بجے جیسا آپ احباب کو معلوم ہے وائی ایم سی ہال میں ہم ایک اجتماع منعقد کر رہے ہیں جس میں جنگ ستمبر کے شہداء اور غازیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اس مبارک بات کی تفصیل میں وہاں عرض کروں گا. درس کا آغاز سورہ النساء کی 35 آیت سے ہو رہا ہے، 4/35. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء کی ان ابتدائی آیات میں عائلی زندگی کے متعلق احکام اور ہدایات دی گئی ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم نے زندگی کے بڑے بڑے اہم معاملات کے متعلق بھی عام طور پر اصولی رہنمائی پر اکتفا کیا ہے، لیکن عائلی زندگی ایسی اہم ہے اس کے نزدیک کہ اس کے احکام دیے اور احکام کی جزیات اور تفاصیل بھی خود دی. پھر دوہرا دوں کہ جیسا میں اکثر کہتا چلا آ رہا ہوں، جسے آپ معاشرہ، اس کے بعد قوم، اس کے بعد انسانیت کہتے ہیں، اس کی منزل اولی گھر کی زندگی ہوتی ہے. جس قسم کی گھر کے اندر کی زندگی ہو اسی قسم کا معاشرہ ہوتا ہے. صبح کے وقت ہم جب باہر نکل جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں معاشرہ کے افراد کہا جاتا ہے، اور شام کو جب ہم گھروں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم گھر کے افراد ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے گھروں کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں یہ تو پرائیویسی کے لیے ہیں. ان دیواروں کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے کسی کا نام معاشرہ ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ گھروں کی زندگی جہنم کی زندگی ہو اور معاشرے کی زندگی جنت ارضی کا نمونہ پیش کرے. جنت کی زندگی گھروں سے شروع ہوتی ہے، اور انسان کے اصل سیرت اور کردار اور کیریکٹر کی پہچان بھی گھر کے اندر کی زندگی سے ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا اپنے نجی ملازم کی نظروں میں ہیرو ہو، اور دنیا کے عظیم ترین سب سے بڑے ہیرو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ حضور کی رسالت کے دعوے پہ سب سے پہلے بیوی ایمان لائی تھی. عائلی زندگی قرآن کے نزدیک بڑی اہم ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ جزیات تک اس کی خود بیان کرتا چلا جاتا ہے. اس دواجی زندگی کے لیے، اس کا ترجمہ ہی رفاقت کی زندگی ہے، قرآن نے
कहा ये कि इसमें हम आहंगी ये फिक्र नजर मिजाज और तबाया की यकरंगी ख्यालात की यकनिगही ये निहायत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की इस गाड़ी के ये दो पहिए हैं और जौज के तो माने ये होते हैं कि ऐसी दो चीजें कि जिनमें से अगर एक ना हो तो दूसरी ना तमाम और ना मुकम्मल रह जाए। तो इसके लिए इंतखाब ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों पहिए, जैसे कि वो गाड़ी बनाने वाला देखता है कि उसमें अगर एक सूत के बराबर भी फर्क हो तो गाड़ी में लहक पैदा हो जाती है। इंतखाब इस किस्म का होना चाहिए। फिर घर का नक्शा बाहमी मुद्दत सकीनत और रहमत का होना चाहिए। इन अल्फाज की तशरीह आपके सामने कई मरतबा आ चुकी, लेकिन इसके बावजूद कुरान इंसानी तबाया को नजरअंदाज नहीं करता। कहता बहरहाल सब कुछ देखभाल कर लेने के बावजूद हो सकता है कि ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि बाहमी इख्तलाफ हो। अब एक तो इस दवाजी जिंदगी वो थी हिंदू मत की और ईसाइयत की कि एक दफा का ये जो बंधन है ये फिर अटूट हो जाता है, टूट नहीं सकता। यानी इख्तलाफात हों, नाकशात हों, लड़ाई और झगड़े भी हों, नजर आ जाए कि कोई शय ऐसी नहीं जो दोनों में रफाकत मुहब्बत के ताल्लुकात पैदा कर सके, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि टूट नहीं सकता। आप सोचिए तो सही, आप किसी ऐसे हमसाये की हमसायगी में दिन बसर नहीं कर सकते कि जिसके साथ आपकी निभ ना रही हो। मुसाफिर सफर में एक गाड़ी के डिब्बे में आप दो घंटे तक ऐसे मुसाफिर के साथ नहीं चल सकते कि जिसके साथ आपको मुनाकशा पैदा हो गया हो किसी तरह से। आप सड़क पे आवाज करते हैं किसी ऐसे शख्स से आमना सामना करना कि जिसे आपको सामना करते हों, लेकिन आपसे कहा यह जाए कि ये तमाम चीजों के बावजूद तुम्हें उस रफीका हयात या उस रफीका से कहा जाए कि तुम्हें इस रफीके जिंदगी के साथ जिंदगी पूरी निभानी होगी, बसर करनी होगी, जिसमें और तुम में कोई भी कदर मुश्तरक नहीं, इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है। यह कुरान है, उसने इतनी ताकीद और अहमियत के साथ इंतखाब के बावजूद इस इम्कान को, इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं किया कि फिर भी इख्तलाफ पैदा हो सकता है। इख्तलाफ की शक्ल में क्या किया जाए? आप देखिए कि इंतखाब की शक्ल में तो वो माशरे को दरमियान में नहीं लाया, बिल्कुल जाती चीज है, इंफरादी चीज है, लेकिन जब आपस में मुनाक्षा या इश्तराक हुआ है ये जज्बाती चीज है। कोई भी दो हो उनमें अगर इख्तलाफ पैदा होता है, कोई तीसरा होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिवली इस चीज को देखे। एक चीज है उसे सब्जेक्टिवली कहते हैं, यानी जज्बाती तौर पे इंसान खुद ही अपने मुतल्लिक कोई फैसला करे किसी मामले का। जिस मामले में इंसान के जज्बात उलझे हुए हों उनमें वो खुद सही फैसला नहीं कर सकता। जो फैसला जज्बात के ताबे होता है, अक्ल और फिक्र, होश और तदब्बुर के ताबे नहीं होता। इसीलिए जब जज्बाती इख्तलाफ पैदा हो या कोई एक फर्द भी शिद्दत जज्बात में हो तो उसको कोई फैसला खुद नहीं करना चाहिए, अपने फैसले के मुतल्लिक किसी दूसरे से कहना चाहिए जिस पर भरोसा हो। वो इसे ऑब्जेक्टिवली देखता है, बाहर खड़ा हुआ देखता है, वो ये देख सकता है कि असल मामला क्या है और इस मामले में इसे क्या करना हो। आंखों के साथ अगर आप कागज लगा लेते हैं तो आप पढ़ नहीं सकते, उसे कुछ दूर रखना पड़ता है। ये तीसरा शख्स उस कागज को दूर रखता है,
वो देख सकता है कि इन दोनों में इख्तलाफ क्यों हुआ, शिद्दत क्यों इख्तियार कर रहा है, मसालियत की शक्ल किस तरह से पैदा हो सकती है। ये दोनों नहीं कर सकते जिनमें तकरार और इख्तलाफ पैदा हो गया है। इन्हें तो अगर अपने मामले खुद सुलझाने के लिए कहेंगे तो ये और उलझाते चले जाएंगे। ये है कुरान जिस मकाम के ऊपर वो कहता है कि वइन खिफ्तुम शिकाका बैनहिमा, अगर तुम महसूस करो कि उनके दरमियान मुनाकशा पैदा हो रहा है, इख्तलाफ पैदा हो रहा है शिकाक की हद तक। एक तो इख्तलाफ यूं ही छोटे से मामले में होता है ना कि आज क्या पकाया जाए, और ये शिकाक की सूरत है, शक हो जाने वाली बात, कपड़ा फट रहा हो, अगर महसूस करो तुम कि ऐसी सूरत पैदा होने वाली है, खिफ्तुम है यहाँ, इसका तुम्हें एहसास हो, डर हो, खतरा हो कि ऐसी सूरत न पैदा हो जाए, तो इस मामले को इन दोनों के दरमियान न रहने दो। कि दोनों होंगे तो इनमें कशाकश जो दरमियान में होगी तो ये करीब एक दूसरे के नहीं आएंगे, दिन ब दिन दूर हटते चले जाएंगे। आपने देखा कि ये खिफ्तुम जो कुरान ने कहा है ये एक तीसरी पार्टी है, सालिस हैं, बाहर के हैं, मुआशरा है, निजाम है, हुकूमत है, अदालत है। निजाम या मुआशरे को कहा गया कि तुम ये महसूस जब करो तो फब असू हकम मिन अहले ही वह हकम मिन अहले हा, तो तुम ऐसा करो कि सालिस मुकर्रर करो, एक नुमाइंदा बीवी के खानदान का, एक नुमाइंदा खामन के खानदान का, अब असू तुम ये कुछ करो। इससे इम्कानी शक्ल निकल आएगी बाहमी मसालहत की। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे यहां ये जिन्हें आप कवानीन शरीयत कहते हैं या फिका कहते हैं, उसकी रूह से इन दो फरीकों में जिन्होंने अपनी कामल रजामंदी से इस मुआहदे को तय किया था जिसे निकाह कहते हैं, ये जब वो तय कर लेते हैं तो उसके बाद कैफियत ये हो जाती है वन वे ट्रैफिक की कि खामद को पूरा हक तो इख्तियार होता है, जब जी चाहे खड़े खड़े तलाक 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 कही और किस्सा खत्म हो गया। आप गौर फरमाइए। और दूसरा फरीक जो है जिसे बीवी कहा जाता है, जिसके रजामंदी के बगैर ये मुआहदा हो ही नहीं सकता था, उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने या हां करने के बाद उसकी कैफियत ये हो गई कि अगर इसको वाकई कोई जाय शिकायत भी है, ये इस मकाम पे पहुंच चुकी है कि यहां निबाह नहीं हो सकता, तो ये इस तरह से इस मुआहदे को नहीं तोड़ सकता, इसे इसके लिए हजार जतन करने पड़ेंगे। और औरत की पोजीशन तो वैसे ही नाजुक होती है, मर्द तो इसको अफोर्ड कर सकता है कि जब जी चाहे ये कहे तलाक तलाक तलाक, मामला खत्म हुआ। औरत तो उसको हजार बातें सोचना पड़ती है, वो बेसहारा रह जाती है आम माशरे के अंदर, बच्चों का मसला उसके सामने होता है, जाए कहां, शादी के थोड़े अरसे के बाद मैरिज की या शादी की उम्र से भी आगे चली जाती है वो, यानी वो तो अगर इस मामले में पहुंचेगी तो कुछ सोच समझ के पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए तो रास्ते में इतने मवानियात हैं कि वो तो इस तरह पीछा नहीं छुड़ा सकती। और इसको ये इख्तियारात दिए गए हैं कि जब जी चाहे ये कहे और मामला खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद जिसे मैं कई दफा दोहरा चुका हूं
दोहराते हुए शर्म भी आती है बेटियों और बहनों के सामने। ये कहा उसने तीन दफा तलाक तलाक तलाक, दो ही घंटे के बाद होश आ जाता है मियां साहब को, गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन आपकी इस तोही का खमियाजा जो भुगतना पड़ता है जिसे, और जिस शक्ल में हया की आंखें जमीन में गड़ जाती, उस बेचारी बेगुनाह को, इसके आप बाल भी शायद सताद हो चुके हुए हैं, फिर उससे ये कहा जाता है कि दोबारा इसके निकाह में इस सूरत में आ सकती हो कि एक शब कहीं और किसी के साथ बता सकते, जिसे हलाला कहा जाता है। आप गौर फरमाइए कि ये है वो जिसे हमारे यहाँ कानून शरीयत कहा जाता है, ये है जो कुरान का हुक्म बनस्से सरी मौजूद है कि इससे पहले ये करना होगा। अगर इख्तलाफ पैदा हुआ है तो सालिस मुकर्रर करो, वो मसालियत की शक्ल पैदा करें। व इन युरीदा इस्लाही युवक किल्ला होगा, अगर वो मसालियत के लिए इरादा रखें, कोशिश करें, ये दोनों भी वो सालिस भी, तो कहा है कि खुदा इसमें ऐसी तौफीक दे देगा कि हो जाए किसी तरह से, यानी खुद खुदा चाहता है कि ये सूरतें ऐसी पैदा हो जाए। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, ये यूं ही हमने नहीं बात कह दी, हम जानते हैं, हम आगाह हैं इस चीज से कि जज्बात भड़क कैसे उठते हैं, फिर भड़के हुए जज्बात को ठंडा कैसे किया जाता है, मसालियत की शक्लें कैसे निकला करती हैं, हम जानते हैं। जानबूझकर ये चीज दीदा नजिस्ता इल्म रखते हुए, खबर रखते हुए हमने ये कानून दिया है। अच्छे है इनको क्या खबर है, अल्लाह मियां को ना कभी ब्याह कराया ना कभी बीवी का हर आई, कानून देन लग गए जी, यही कहते हैं ना महाजल्ला, तो हम जानते हैं मत को या कासिम। ये हमारे यहाँ एक अरसे के बाद खुदा खुदा करके कुछ जरा सी कोशिश हुई थी कि कुरान से जरा करीब लाया जाए आयली कवानीन को, जिन्हें फैमिली लॉज आप कहते हैं, आयली कवानीन जिनका नाम था, ये 62 में जो नाफिज हुए थे, कोहराम मच गया। किस बात के खिलाफ? उसमें कहा यह गया था कि भाई यूं ही उठ के खड़े होके तलाक 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 न कह दिया करो, ऐसी सूरत अगर इख्तलाफ की, तनाजों की, शिकायत की, मुनाक्षे की पैदा हो जाए तो उसके लिए एक नुमाइंदा तुम में से मौजूद है, वो जिसे चेयरमैन कहा जाता था मसालहती काउंसिल का, अपने इस इरादे से उसको इतला दे दिया। उसका फरीजा था कि वो फिर एक नुमाइंदा मियां के तरफ का, एक नुमाइंदा बीवी का, वो उसको बुला के नुमाइंदों को, तो वो कोशिश कराता था कि इनमें मसालियत की शक्ल पैदा हो जाए। 3 महीने तक उसकी ये कोशिश जारी रहती थी, उसके बाद ये देखा जाए कि कोई सूरत निबाह की नहीं है, तो फिर ये तीज वादा मंसूख होता था जिसे तलाक कहते हैं। ये उसमें एक शिक रखी हुई, मैं पूछता हूं आप आबाब से और जिसे जीचा है आप पूछिए कि कुरान करीम की ये जो आयत है कि वह इन खिफ्तुम शिकाका बैने हिमा फबासु हकम मिन आहले वी व हकम मिन आहलेहा, क्या ये उसकी ही अमली शक्ल नहीं थी जो इसमें तजवीज की गई थी? इसकी भी मुखालफत हो रही थी। और आज सबसे बड़ा जो कारनामा कह रहे हैं हम सर अंजाम देंगे, अगर हम बरसर इक्तदार आ गए तो सबसे पहले इन आयली कवानीन को मंसूख करें, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली दफा भी कहा था, नहीं उससे पहले कहा था, मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ की ये बहनें बेटियां, हमारी खवातीन, हमारी औरतें, इन बेचारियों के तो जेन में ऐसा रखा गया है कि चूल्हे चौके के बाहर इनकी दुनिया ही है नहीं, वरना अगर ये भी अपनी आबादी के तनासुब के लिहाज से इस पार्लियामेंट में चली जाए
और इनकी वहां अक्सरियत भी हो सकती है और ना भी हो तो बराबर का तुल तो इनका हो सकता है ना, तो फिर इनसे पूछा जाए कि वहां पहुंचने के बाद आप क्या कानून रख सकते हैं और किन कानून की को मंसूख कर सकते हैं। मुसीबत तो वहां ये है कि वहां भी नुमाइंदगी सारी मर्दों की होती है, इन बेचारियों की नुमाइंदगी वहां नहीं होती। भीख का टुकड़ा फेंका गया कि साहब इनको हम 10 सीटें जो है उसके अंदर नॉमिनेशन से दे दी जाएंगी। इनसे मुतल्लिक ये कवानीन है, बनाने वाले फिर वही मर्द, मंसूख करने वाले फिर वही मर्द जो ये अवन लेके जा रहे हैं। दो ही चीजें हैं ना जिनके ऊपर बड़ा इस तरह उनको बहुत रंज और बड़ा गुस्सा था। एक ये कि मर्द के हकूक तलाक के ऊपर इस किस्म की मदाखलत बेजा किसी सूरत में रवा नहीं रखी जा सकती या अल्लाह, हकूक। और दूसरी चीज ये कि मर्द का जब जी चाहे 4 तक बीवियां कर सकता है, उसमें इतना ही कहा गया था कि अदल का तकाजा ये है और कुछ नहीं, तो ये पहले जो है घर में कम से कम उसकी रजामंदी तो हो जाए। कहता कौन होते हो तुम हमारे इन हकूक के अंदर दखल अंदाजी करने वाले। बात यहां थी कि अगर इख्तलाफ पैदा हो जाए तो बजाय इसके कि गुस्से में आकर आप यूं ही खड़े होकर 3 दफा तलाक कहा तो तलाक ए सलासा पड़ गई, उसके बाद आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। सही तरीका उसका ये है, माशरे को ये कहा गया है कि तुम दखल दो इसके अंदर। कहता हूं ये तो फरीजा था इस किसी हुकूमत का जो अपने आप को इस्लामी कहे या इस्लाम के कवानीन को नाफिज करना चाहे, उसका फरीजा है कि वो ये शक्ल पैदा करे कि जहां कहीं भी मियां बीवी में इख्तलाफ और शिकाक की सूरत नजर आए वो फौरन सालिस मुकर्रर करे, उनमें इस्लाह की सूरत पैदा करे। उसके बाद अगर देखा जाए कि निभा की शक्ल नहीं है तो फिर ठीक है, फिर ये सूरत पैदा की जा सकती है। इस आयत के साथ ये जो कवानीन थे जैसा मैंने अर्ज किया है आयली कवानीन, यहां तक मुसलसल जो चले आ रहे थे ये उसके यूं समझिए आखिरी आयत है। शुदा शुदा और बातें आगे भी आएंगी, जो जो आएंगी वो सामने हम लाते चले जाएंगे। अब मियां बीवी का मामला जो है इससे आगे बढ़ा है कुरान और अब अजीज और अकरबा तक चला है। अब यूं कहिए कि घर की दीवारों को जरा इधर और इधर से हटाकर वो माशरे में एक एक कदम आगे बढ़ा है। आप देखते हैं कुरान करीम का प्रोग्राम तदरीज इसकी किस तरह से दर्जा बदर्जा आगे बढ़ता है। कुरान की आयात के अंदर जो तसलसल है उसमें भी तदरीज जो है ये काबिले गौर होता है। खालिस मियां बीवी के मामले के बाद आगे वो आता है माँ बाप अज़्ज़ा व अकारब हमसाए माशरे के लोग अब यहां तक आया है। बुनियाद ये थी कि इस बुनियाद को मुहकम करने के बाद जरूरी हदायात देने के बाद उलझे हुए मामलात को सुलझाने की तदबीरें बताने के बाद अब वो मियां बीवी से आगे अकरबा तक आया है। बुनियादी चीज एक उसमें ये दी कि वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, इस चीज को याद रखो अतायत तुमने सिर्फ खुदा के कवानीन की करनी। जैसा कि मैंने कई दफा अर्ज किया है शुरू में सूरह फातिहा में तो एक दर्श हुआ इसके ऊपर था, कुरान की रूह से इबादत प्रस्तुत नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं है, अबदीयत किसी के आकाम और कवानीन की कामिल इतायत का नाम है। वाबुदुल्ला हमारे यहां जब इसको अतायत से प्रस्तश में बदला तो नमाज तो हमने अल्लाह की पढ़ी, कवानीन अपने राज किए, इबादत खुदा की, इतायत अपनी या ताबूत की। आप देखते हैं कि जब फिक्र कौमों से उठ जाता है तो उनकी कैफियत क्या हो जाती है, बाइफरकेशन कर दी हमने, दो दो अलग शोबे मुकर्रर कर दिए, खुदा सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप रह गया,
इबादत उसकी की, आकाम और कवानीन की अतायत या अपने बनाए हुए या दूसरों के मांगे हुए, बाहर कैफ इंसानों की इबादत, इंसानों की परस्तिश खुदा की, इसका नाम हो गया इस्लाम। हमारे वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शया, इसमें किसी और को शरीक न करो। हमारे यहां शिर्क नाम रह गया सिर्फ बुत परस्ती का, और कुरान शिर्क को यहां तक खींच के ले जाता है। वो कहता है कि क्या तूने उस शख्स की हालत पे भी गौर किया, मैंने तखाजा इलाहु हवाहु, जिसने अपने जज्बात ही को अपना माबूद बना लिया। यहां तो ये बाहर का बुत तो एक तरफ रहा, बाहर के इंसान तो एक तरफ रहे, वो तो खुद इंसान के अपने जज्बात जो कवानीन खुदाबंदी के ताबे नहीं जर्फ होते, इस्तेमाल होते, उनको भी शिर्क के अंदर खुदा के बराबर का एक खुदा करार दे रहा है। सबसे बड़ा शिर्क तो ये अपने अंदर का होता है। यहीं से आपकी बेजा आरजुएं, गलत तमन्नाएं ये उभरती हैं, यही वो जज्बात होते हैं जो उनको पूरा करने के लिए आपको मुहर्रक में अमल करते हैं। कभी आप जायज़ और नजायज और हलाल और हराम में फिर तमीज नहीं करते, बात आप खुदा की नहीं मानते, अपने अंदर की बात मानते हैं, और इसी का नाम सबसे बड़ा शिर्क है। कुरान की आयत जलीला मौजूद है कि जिसने अपने जज्बात ही को अपने इलाह बना लिया। शिर्क की वसतें तो यहां तक जाती है अजीजाने मन, ये सिर्फ बुत परस्ती की बात नहीं है, वो तो जहालत का मजाहरा है। आपको मालूम है कि कुरान करीम ने फिरका बंदी और तफरके को शिर्क करार दिया है, और आपको मालूम है कि खुदा का एक उलूल अजम नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कुछ दिनों के लिए कौम से अलग हुआ तो दूसरा नबी हजरत हारून अलैहिस्सलाम कौम में मौजूद, कौम ने उस गोसारा को एक वो बछड़ा बना लिया था, एक बुत बना लिया था, और उस बुत की परस्तिश शुरू कर दी थी। हजरत हारून बैठे हुए थे उस कौम के अंदर। हजरत मूसा जब वापस आए हैं, कुरान में ये सारा मजकूर है, वो वापस आए हैं तो उन्होंने पहले हारून से कहा, भाई से, कि तुम मौजूद थे, तुम्हारे सामने ये कुछ ये करते रहे, एक बुत की परस्तिश करते रहे, तो तुमने इनको रोका नहीं। खुदा का नबी खुदा के नबी से ये बात कह रहा है। इसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि मैं डरता था कि इनको अगर मैं सख्ती से रोकता तो इनमें तफरका पैदा हो जाता, मैं डरता था कि तुम आगे मुझसे ये कहोगे कि तुमने इनके अंदर तफरके का शिर्क बर्पा कर दिया, मेरा इंतजार भी ना किया, मैंने गोसाले की परस्तिश को रवा रखा, इस शिर्क को मैंने पैदा नहीं होने दिया, दोनों मुतमईन हो गए। आज आपके यहां इस्लामी हुकूमतें बनाने के मुद्दई जो हैं, कानून आईन के अंदर ये शिक रख रहे हैं कि पर्सनल लॉज की ताबीर जो है वो हर फिरके की अपनी अपनी ताबीर होगी, मुसलमान फिरकों को आईनी हैसियत दी जा रही है। इसका नाम इस्लामी ममलकत, इकामत दीन, इस्लामी निजाम रखा जा रहा है। तो कहा है वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल लजीना फर्रकू दीनहुम वकानू शियान, तौहीद पर ईमान लाने के बाद मुशरिक ना कहीं हो जाना, ये नहीं कहा कि फिर बुत ना पूजने लग जाना, यानी फिरकों में ना बैठ जाना। यहां वो बासित के आईन के अंदर ये एक फिक्रा नहीं था। उस आइन के बाद सबसे पहली मुखालफत हुई, उस आइन की पहली असेंबली जो आपके यहां हुई, पहला जो उसके अंदर तरमीम पेश की गई, ये सारी तरमीम पेश की गई ये आपके यहां के इकामत दीन के मुद्दइयों की तरफ से, तो उसमें ये फिक्रा ऐड करो, दोबारा उसमें दाखिल कराया गया कि हर मुसलमान फिरके की ताबीर अपनी अपनी होगी, कहीं तौहीद की तरफ से कदम न उठने पाए।
वला तुशरे को बही शय अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। तौहीद ये है कि हुक्म सिर्फ उसका है, उसके बगैर उसके अलावा किसी और का हो। वला तुशरे को बही शय। बात असूली पहले बयान की कि आकाम तो हम बाद में देंगे, पहले ये समझ लो कि ये मामलात संवरेंगे उस सूरत में कि किसी और का फैसला अपने यहां नाफिस ना होने दो, किसी और का हुक्म ना चलने दो, हत्ता के अपने जज्बात के फैसले और हुक्म जो हैं उनको भी ना चलने दो, वो भी शिर्क हो जाएगा। रोज सुबह से शाम तक आपके यहां वाज होते हैं, पहले सारे नकायस बयान किए जाते हैं, ये खराबियां हैं, ये नकायस हैं, ये अयूब हैं, ये गमायम हैं, बिगड़ गया, तबाह हो गया माशरा। फिर उसके बाद वाज होता है, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, खुदा ने ये कहा है, उसका ये हुक्म है, और उसके बाद ना वो जमायम खत्म होते हैं ना ये यहूदियां कहीं आती हैं। ये हो गया रहा है, हो ये रहा है कि अमलन शिर्क हो रहा है। पहली चीज यहां वाज कहने की नहीं है, नसीहतें करने की नहीं है, पहली चीज इस चीज का इकरार है कि क्या मानते हो कि खुदा के हुक्म के अलावा किसी का हुक्म नहीं मानूंगा और उसका हुक्म भी जरूर मानूंगा। ये इकरार करने वाले जो हैं फिर उनके सामने ये आकाम लाइए, देखिए इसलाह होती है या नहीं। यहां तो मुश्किल ये है कि अपने आप को तस्कीन नहीं तो रेप दे लिया कि परस्तिश खुदा की है, आकाम अपने हैं जो चलेंगे, इनका नाम इस्लाम करार दे दिया था। वो तो यहां तक जाता है कि मा कान अल बशरिन योतियाल किताब अवल हुक्म अवल नबूवत सुम्मा यकूल अल नास कूनू इबादत ली मिन दूनिल्लाह। किसी शख्स को इसका हक नहीं पहुंचता, खा खुदा उसे किताब नबूवत रसालत हुकूमत क्यों ना दे दे कि वो किसी दूसरे इंसान से कहे कि तुम मेरे अकाम की अदायत करो खुदा की नहीं। ये है तौहीद अजीजा ने मान। सवाल ये है कि ये कहने वाले और जिनसे कहा जाता है क्या उनमें से इस ईमान के ऊपर कोई खड़ा है कि ये है तौहीद, ये है खुदा का मानना, अगर ये नहीं है तो शिर्क है, ये कुफर है, इस्लाम नहीं है। कि माना जाएगा तो उसका हुक्म माना जाएगा, इताअत उसकी की जाएगी, और जो ही ये नहीं कही जाएगी इतराफ करना पड़ेगा कि ठीक है अब तौहीद और इस्लाम नहीं रहा। किसी और की मानोगे, बाहर वाले की नहीं मानोगे, अपने दिल की मानोगे, शिर्क तो ये भी हो जाएगा। वला तुशरिकु बिही शया, किसी शय को भी उसके साथ शरीक ना करो। यहां तो कुफर नहीं शरीक की बात है, शिर्क तो ये भी हो सकता है कि उसे भी मानो किसी और को भी मानो, यहां तो ये भी गवारा नहीं हो सकता। शिरकत में आना है हक व बातिल न कर को भी। वला तुशरिकु बिही शया, मैं कह ये रहा था कि अब घर की चार दीवारी से पहले तो मियां बीवी के ताल्लुकात से जरा आगे बढ़ रहा है, और हुक्म है वबिल वालिदैन एहसानम, वालिदैन के साथ एहसान। एहसान वो नहीं कि जो एक दफा फिर एहसान किया और उसके बाद फिर सारी उम्र इंतजार करते रहे कि उसका बदला हमें वहां से मिलेगा, और सारी उम्र फिर उसको कोसते रहे कि जहां कहीं आपकी मर्जी के खिलाफ उसने कोई बात की और आपने उसको लताड़ा क्यों। एहसान फरामोश तोता चुशन, याद है किस तरह से उस दिन गड़गड़ाते हुए आए थे और मदद मांगने को आए थे, और आज आंखें दिखा रहे और कह रहे हो कि नहीं साहब वोट तो मैं उसे दूंगा जो मैं अहल समझूंगा। ठीक है, लोग मुझे कहते थे कि इसके साथ मत ऐसा एहसान करो, एक तो एहसान ये है ना जो हमारे यहाँ होता है, तो जैसा मैं कहा करता हूँ कि फिर जिस पे एहसान किया गया है वो तो सारी उम्र के लिए बेदाम गुलाम है, उसका बदला तो उसी सूरत में उतर सकता है कि वो ये कहे कि या अल्लाह इस पे भी ऐसा ही वक्त पड़े, ये भी गड़गड़ाता हुआ आया, फिर मैं भी इसकी कुछ मदद करूं जो एहसान का बदला एहसान उतरे।
एहसान के ये माने नहीं अजीजा ने माने। एहसान के माने होते हैं किसी में जो कमी वाकया हो जाए उसकी कमी को पूरा कर देना, और वो जो फिर हमारे यहाँ एहसान के बदले के लिए एक फिकरा इनके यहाँ कुरान करीम का लिया हुआ, हल जदाउल एहसान एहसान का बदला एहसान, यानी ऐसे जो खुदा का हुक्म जैसे मनवा रहे, उस खुदा का हुक्म जो कहता है कि ये मोमिन वो है जो किसी की मदद करने के बाद कहता है ला नुरीदु मिनकुम जज़ान वला शुकूरा, हम तुमसे इसका बदला तो एक तरफ रहा शुक्रिया के भी मुतमन्नी नहीं है। क्या जिसको ये हुक्म दिया जाएगा उसको ये हुक्म दिया जाएगा कि अल जज़ाउल एहसान इल्ल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान है? वो तो कहता है शुक्रिया तक के भी मुतमन्नी नहीं होते, माने ही नहीं है उसके, ये माने उसके ये हैं बिल्कुल उलट है उसके माने। किसी ने कमी वाकया हो गई, उसका तवाजुन बिगड़ा, अफराद के तवाजुन के बिगड़ने से माशरे का तवाजुन बिगड़ा, कहा ये कि तवाजुन न बिगड़ने दो, जो कमी वाकया हो गई है किसी के अंदर उस कमी को पूरा कर दो। फिर इसके बाद कहा कि इसके बाद इसके बदले का या मुआवजे का सवाल किया, एहसान कमी पूरी करना था तुमने, कमी पूरी हो गई, मामला खत्म हो गया। एहसान का कोई और बदल नहीं है, एहसान के माने कमी पूरी करना, कमी पूरी हो गई। ये जो है अब्दुल वालिदैन एहसानन, वालिदैन बुढ़ापे के अंदर उनमें कमजोरी आ जाती है, जरूरियात जिंदगी की कमी हो जाती है, बाज़ औक़ात सेहत जवाब दे देती है, ये कमी हो जाती है। एहसान के माने हैं जिस जिस चीज की उनमें कमी हो गई हो उस कमी को पूरा कर लीजिए। इधर तो ये कैफियत और दूसरी तरफ वो गलत तसव्वुर कि माँ बाप की इताअत फर्ज है। इताअत तो किसी की भी फर्ज नहीं है खुदा के अलावा। और फिर उनकी इताअत के मुतल्लिक कुरान कहेगा जिनके मुतल्लिक खुदा ने खुद कहा है वमन अमर हो नक़सा फिल खल्क़, कि नहीं भी जो उम्र ज्यादा बढ़ जाया करती है तो वो तो फिर अकले ऊंधी हो जाया करती है, जो पहले कुछ याद होता है वो भी भूल जाया करता है। अर्जुन उम्र का है कुरान ने इसको, तो वो क्या ये पाबंदियां आज करेगा कि ये जो उभरने वाली अकलें हैं इस दौर के फिक्र के नौजवान हैं अपने मामलात को वो समझते हैं, यानी जब वो इस काबिल हो जाए कि अपने मामलात को खुद समझे सवाले, उन्हें पाबंद कर दिया जाए इस चीज का कि वो उनके फैसलों की इताअत करें कि जिन्हें अपने मुतल्लिक भी अब फैसले करने की सलाहियतें बाकी नहीं रही हूं। कुरान है अजीजा ने मन, मांगे हुए ख्यालात हैं दूसरों के यहां से, क्योंकि जज्बात से मुतल्लिक हैं इस वास्ते बड़े प्यारे लगते हैं ऐसा, तो या यूं ये है कि तोते की तरह हम रटे हुए चले आ रहे हैं सब अतायत पर जा। कुरान ने कहीं नहीं कहा ये, उनकी कमी पूरी करो, ये कहा है कि हुस्न सलूक के माने ये हैं उनको झिड़को नहीं, यानी वो ऐसी सूरत में पहुंच गए हुए हैं ना कि उनकी हरकत कुछ इस किस्म की भी होती है जिनपे जिनसे आदमी को गुस्सा आ जाता है, बच्चा और बूढ़ा बराबर हो जाते हैं, लेकिन बच्चे का बचपन तो हुस्न पैदा करता है, बूढ़े का बचपन आदमी में कुछ गुस्सा पैदा कर देता है, इसलिए कहा था कि उनको हुस्न भी ना कहो, डांटा ना करो, मजबूर है माजूर है, एहसानन कमी पूरी करो उनकी। वबिज़िल कुर्बा अब आगे बढ़ा है, दर्जा ब दर्जा आगे चल रहा है कुरान, वालदैन तक ही नहीं, तुम्हारे जितने भी गिर्दो पेश हैं। ज़िल क़ुरबा आमतौर पे रिश्तेदारों के लिए कहा जाता है, लेकिन क्यों महदूद किया जाए इनको सिर्फ खून के रिश्तों के साथ ही, जो भी तुम्हारे गिर्दो पेश हैं, जो भी तुम्हारे करीब हैं, और उनकी तशरीह तो आगे आ जाती है, मैं अभी अर्ज करूंगा, वालियताना जो तुम्हारा है माशरे के अंदर, मैंने अर्ज किया था कि यतीम सिर्फ उसी को नहीं कहते कि जिसके माँ बाप मर जाएं,
जो भी माशरे में तनहा रह जाए, इसका साथी कोई ना हो, उसे कमी वाकई हो जाती है। उठो और उसके साथ खड़े हो जाओ। याद रखिए, जिस माशरे में कोई फर्द भी अपने आप को तनहा महसूस करे मुसीबत और मुसीबत के वक्त, इस्लाम तो बड़ी चीज है, इंसानों का माशरा भी नहीं होता। अजीजाने मन, ये हैवान है कि एक बैल के पेट में दर्द हो रहा है तो दूसरे बैल को उसका पता भी नहीं होता, वो अपना चारा चरता चला जाता है। वो अफराद होते हैं, वो तनहा होते हैं, इंसान तो है ही उनसे, ये तो उनसे अगर नहीं है बाहमी तो इंसानियत का दर्जा भी नहीं। मैंने यूं ही नहीं कह दिया था कि वो मुआशरा इंसानियत का भी नहीं होता, और इस्लाम तो बात ही आगे जाती आती है। इस्लाम तो कहते हैं इस तरह से हम कदम चलने का नाम, ये चार घोड़ों की गाड़ी होती थी, चार चार घोड़े इस तरह से अगर वो चले कि उनका कदम यकसा उठे, यकसा आपके पड़े, इसको दसलमा कहते हैं अरबी अरबी अरब जो थे। यूं जिंदगी के अंदर चलना, यूं कदम मिला के चलना एक दूसरे के साथ, यकसा उठे यकसा कदम पड़े, इसका नाम था इस्लाम की जिंदगी। इसमें ये तीन का क्या काम, क्यों अपने आप को कोई तनहा महसूस करे? हाकतन नहीं है वालियताना, यतीम के लिए यही नहीं है कि उसको कहीं मालो दौलत की कमी आ जाएगी, उसका तनहा हो जाना खुद कमी है उसकी। इसका एहसान ये है कि उसको तनहा महसूस ना करने दो, साथ जाके खड़े हो जाओ। वाल मसाकीन, हमारे यहाँ तो मिस्कीन है गा जी, ये फकीर है गा। कुरान के अल्फाज, कुरान की इस्तिलाहे हैं, हरकत और सकना दो मुतजाद लफ्ज हैं। हरकत है चलता कारोबार, साकिन है जो रुक जाए किसी की गाड़ी कहीं आके। ठीक है, यतीम भी नहीं है, चीजें भी हैं, हादसा कुछ ऐसा हो गया है, रुकावट पैदा हो गई है, मवानियात पैदा हो गए हैं कुछ, जिसकी जिंदगी की गाड़ी के अंदर कोई रुकावट पैदा हो जाए उसका एहसान क्या है? ये कमी हो गई, रुकावट को दूर करो ताकि वो भी तुम्हारे साथ आगे आगे चले। वल जारे जिल कुर्बा वल जारे जुनुब, हमसाए, अब दो किस्म के हमसाए गिना दिए यहां, रिश्तेदार भी हो हमसाया, गैरज रिश्तेदार भी हो हमसाया। जब भी घर के साथ आगे बढ़ेंगे माशरे में, सबसे पहले हमसाया आएगा। वहां भी अगर देखते हो कि कोई कमी आ गई है, उसकी कमी को पूरा करो। और जिस माशी निजाम की इब्तदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, उसकी पहली ईंट तो ये कह के रखी थी ना कि जिस शख्स का हमसाया रात को भूखा सो गया है, उसके ऊपर जन्नत के दरवाजे नहीं खुल सकते। अपने घर वालों को तो हर एक देगा, यानी हर शरीफ इंसान, वरना अब तो ये कैफियत पैदा हो गई है कि अपने घर वालों की जिम्मेदारियां भी लोग भूल रहे हैं। वहां ये कैफियत है कि खुद जब खाओ, और हमसाए में हुजूर ने फरमाया था दाएं बाएं दोनों तरफ देखो, दोनों हमसाए होते हैं ना। आपने देखा कि किस तरह से इस तंजीम की इब्तदा हो रही है? अगर हर रात को जिसने खुद खाया है या घर में मौजूद है, सोने से पहले इसका यकीन कर ले कि दाएं और बाएं के दोनों हमसायों को, बच्चों को मिल गया है, माशरे से भूख खुद खत्म हो जाती है। और यही था कि जिसकी बड़ी हुई शक्ल वो थी जो हजूर ने फरमाया कि जिस निजाम में, जिस माशरे में कैफियत हो कि उस बस्ती में रात को एक शख्स भूखा सो गया हो, उस बस्ती से खुदा की हिफाजत की जिम्मेदारी उठ जाती है। यहां कुरान करीम ने मियां बीवी से बड़े हैं, वालदैन आया है, जिल कुर्बा आया है, यतामा आए हैं, बताकीन आए हैं, दाएं बाएं के हमसाए आए हैं, वो हमसाए रिश्तेदार हों, गैरा रिश्तेदार हों, वो साहिबिल जंबे, कोई भी जिसके साथ कुछ ताल्लुक है, उसकी हालत पे भी निगाह रखोगे, कोई कमी तो नहीं हो गई।
उसका पूरा करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आगे बढ़ो, वबलिस सबील, अपना भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, हमसाया भी नहीं, रास्ता चलता हुआ मुसाफिर आ गया है। अरब इब्न सबील उस मुसाफिर को कहते थे कि या जिसका ज़ादे राह खत्म हो जाए या किसी तरह से भी वो तुम्हारी मदद का मोहताज हो जाए, किसी तरीके से भी हो जाए, रास्ते में किसी का मोटर फेल हो जाए, इब्न सबील उस हमसाय को, उस मुसाफिर को कहते थे। यानी कहां तक कुरान ले जाता है, अब इस मुसाफिर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मियां बीवी का नहीं, अजीजदारी का नहीं, हमसायगी का नहीं, दोस्ती का नहीं, रफाकत का नहीं, तारुफ का नहीं, यकसर अजनबी है वो इस मुल्क के अंदर आपके, रास्ता चलते हुए उसको जरूरत पड़ गई है। तुम्हारा फरीजा है कि जो उसमें कमी हो गई है उसको पूरा करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, इसका तर्जमा सिर्फ गुलाम और लौंडी नहीं है, अरबी मुहावरे के अंदर भी हर वो शख्स जो तुम्हारे बातहती में काम करता है उसकी कमी को पूरा करो। यहां हमारे यहां इंतहाए अदल ये है कि साहब मजदूर की जो मजदूरी है उसको दे दो, बड़ा तीर मारते हैं कि उसको वो दे दो। जो मैंने कई दफा इस चीज पे गुफ्तगू आ चुकी है दर्श में कि ये चीज के मजदूर की मजदूरी 3 रुपए रोज है, ये कौन मुकर्र करता है 3 रुपए? आप अदल का तकाजा पूरा करके मुतमिन हो जाते हैं कि शाम को मैंने 3 रुपए उसे दे दिए, और जो 3 रुपए में उसके बीवी बच्चों का उसका ऑटो भी ना चले, कि ये कमी जो है इसे पूरा करने की जिम्मेदारी माशरे में कोई अपने सर पे नहीं लेता। क्या ये कमी नहीं है? क्या आदल इसी को कहते हैं कि जो कर दिया गया है? पहले भी अर्ज किया था जब माशी प्रोग्राम पे आया था कि सबसे मुश्किल तरीन मसला जिसमें आज आपके यहां के इकोनॉमिस्ट उलझे हुए हैं और डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं, हल नहीं मिल रहा इस मुश्किल का कि वेजेस किस तरह से फिक्स की जाए, मजदूरी मजदूर की किस मियार के मुताबिक फिक्स की जाए, किसको कितना मिलना चाहिए, कैसे फिक्स किया जाए, मजदूर को 3 रुपए या 4 रुपए, इंजीनियर को 30 रुपए रोज, किस मियार के मुताबिक फिक्स किया जाए, आज ये मसला हल नहीं हो रहा। ये वो मसला जो मैंने जैसा अर्ज किया है कि इल्म और माशियात का इल्म आज बाजार इतना आगे बढ़ गया है अब भी हल नहीं हो रहा हो पाता। 1400 साल पेश तक जिसे आमतौर पर दौरे जहालत कहा जाता है, अरब की सरजमीन जिसमें ये मसाइल ही कभी नहीं आए थे, उसके अंदर एक उम्मी के जिसने ये कहीं से मसाइल नहीं पड़े थे,